हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डिश डिस्कवरी। आज की रेसिपी में हम लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी वाली सब्जी। आज हम बनाने वाले हैं मटर और प्याज की सब्जी। ये रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और हर किसी के साथ ये रेसिपी आसानी से खा सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं रेसिपी को शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे, तो वन बाय वन स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 300 ग्राम छोटी वाली प्याज, और इसे बीच में ऐसे चीरा लगा लेंगे। हमें पूरा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लगाएंगे इस तरह से, और ऐसे ही पूरी प्याज मैंने इस तरह से कट कर दिया है। अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। हमें एक पैन चाहिए जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल पहले से ऐड कर रखा है। इसमें ऐड करेंगे जीरा, और साथ में ऐड करेंगे लौंग और इलायची, साबुत कटे हुए जिंजर गार्लिक, इन सबको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, और साथ में ही ऐड कर देंगे लाल मिर्च साबुत। इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा चलाते हुए ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसे वो करना है। अब थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा कड़ी पत्ते, साथ में ऐड करेंगे नारियल, ग्रीन चिली और काली मिर्च। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर, इन सबको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब हमें इसे बस सॉटे करना है, बहुत देर तक नहीं कुक करेंगे, एकदम गलाना नहीं है इसका। हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाएंगे, इससे ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होती है, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से एकदम हो गया है रेडी, तो इसको हम ठंडा करके पेस्ट बनाएंगे। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। हमें एक कढ़ाई लेना है, अच्छे से ऑयल को गर्म करना है, साथ में इसमें ऐड कर देंगे जीरा, साबुत हरी मिर्च, हींग। अब इन सब से अच्छे से तड़का लगाएंगे जिससे, और साथ में ही ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर, अनियन पेस्ट, और इसे अच्छे से भून लूँगी पूरे मसालों को साथ में। और इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले, जिसमें मैंने ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर। आप चाहो तो इसमें गरम मसाले भी ऐड कर दोगे साथ में ही, पर मैं मसाले थोड़ा लेट ऐड करूँगी एकदम लास्ट में, तो आप चाहो तो यहाँ ऐड कर सकते हो। अब इन सबको मटर वगैरह को अच्छे से मिला के इस तरह से मैंने पूरा इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिसे मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया है। साथ में ऐड कर देंगे ग्रेवी जो हमने पहले से ही बना के रखा है, और इसे अच्छे से चलाते हुए थोड़े देर तक भूनेंगे जिससे हमारी ग्रेवी काफ़ी अच्छे से एकदम भून जाए, और जब इसमें अच्छे से खुशबू आने लगी तब तक हम इसे चलाएंगे। अब ये काफ़ी अच्छे से हमारी ग्रेवी एकदम रेडी हो गई है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट स्वाद अनुसार, और साथ में ही ऐड कर देंगे हमने करेंगे प्याज पहले से कट करके रख लिए थे, और साथ में ही ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे काफ़ी अच्छे सा कलर आएगा। अब इन सबको अच्छे से चलाते हुए पूरा मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा कलर दिख रहा है, और बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। दो से तीन मिनट तक हमने मसालों के साथ इसको पका लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी वाटर हाफ कप, आप चाहो तो कुछ और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब इसे अच्छे से चला के इसे ढक के हम रखेंगे, यानी कि हमें 5 मिनट तक इसे कुक करना है। अब मैंने लीड लगा दिया है, 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अब हटा दिया, आप देख सकते हैं लीड काफ़ी अच्छे से हमारी ग्रेवी एकदम और सब्जी काफ़ी अच्छी दिख रही है। सो अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले, और साथ में ही ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव। अब इस तरह से ये रेसिपी एकदम हो चुकी है रेडी, तो मैं गैस की फ्लेम को करूँगी ऑफ, और हमारी ये काफ़ी अच्छे से सब्जी को मिक्स करेंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।